है जिसका नाम है नेटसअप वर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, इट्स लाइक अ नेटसअप यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पे नेटसअप यूनिवर्सिटी ये नाम हम लोग नहीं दे सकते यहाँ पे उसे, क्योंकि यूजीसी के कुछ रूल्स या नॉर्म्स आ जाते हैं। तो लेकिन इसी को एक सिमिलर वर्ड है, बोलते हैं वर्सिटी या एकेडमी आप बोल सकते हैं इसको। तो हमने एक नेटसअप वर्सिटी का प्लान यहाँ पे किया है, जो आज से आगे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। इट्स लाइक ए यूनिवर्सिटी फॉर नेटसअप के लीडर्स, जिसमें आप अगर एंटर करते हो तो आपको कैप अचीवर बनाने के बाद ही नेटसअप आपको इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने वाला है। जैसे एक बच्चा एडमिशन लेता है ना यूनिवर्सिटी में और बाद में ग्रेजुएशन होकर बाहर निकलता है, तो नेटसअप का ग्रेजुएशन क्या है? नेटसअप का ग्रेजुएशन है कैप अचीवमेंट। नेटसअप का ग्रेजुएशन है 15 दिन का 8,19,250 रुपए का चेक। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से, नेटसअप वर्सिटी के माध्यम से आगे बढ़ते हो, तो आप में से हर एक व्यक्ति नेटसअप में 15 दिन का 8,19,250 रुपए कमा सकता है। ये प्रोविजन आपको इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से करने वाला है। इट्स की टू सक्सेस इन नेटसअप नेटवर्क। ये क्या होगा? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए। एक ई लर्निंग प्लॉट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे नेटसअप नेटवर्क ने क्रिएट किया है, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नॉलेज आप ग्रो नहीं कर सकते इस बिजनेस में। तो ये नॉलेज देने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म नेटसअप ने बनाया। इसी के साथ साथ नेटसअप दूसरा प्रोजेक्ट लेने वाला देके आया आपके लिए इसमें, वो है नेटसअप लाइव। ये क्वालिफिकेशन प्लेटफॉर्म है फॉर इंटेंस लर्निंग कोर्स एट नेटसअप। ये जो लर्निंग आपको मिलेगा, ये लर्निंग जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगा यूनिवर्सिटी के, वो है नेटसअप लाइव। तो हम लोग देखते हैं ये नेटसअप वर्सिटी एग्जैक्टली क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है फॉर इनिशियल ग्रूमिंग। तो ये एक आपका फाउंडेशन बनाने का काम करेगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सीखना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपका नॉलेज का फाउंडेशन जो है वो इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बनाने का काम जो है वो नेटसअप करेगा। इसमें क्या होगा, तो आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स नेटसअप प्रोवाइड करेगा ई लर्निंग्स के माध्यम से, और हर एक ट्रेनिंग के बाद नेटसअप आपके लिए अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, ऑडियो विजुअल माध्यम से आपको एनलाइट करने की कोशिश करेगा, आपको एजुकेट करने की कोशिश करेगा। और हर एक ट्रेनिंग के बाद, हर एक ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग वीडियोस के बाद आपको एक छोटा सा कॉन्टेस्ट लिया जाएगा या आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। और जैसे जैसे आप वो एग्जाम्स में पास हो जाएंगे, वैसे वैसे आप नेटसअप में आगे बढ़ते चले जाएंगे, लैडर्स जो है वो क्रॉस करते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे नेटसअप में। तो ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा। इसी के साथ साथ नेटसअप एक इनोवेटिव चीज लेके आ रहा है पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं बोल रहा हूँ भारत के नहीं, दुनिया के भारत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटसअप एक क्रांति लेकर आ रहा है नेटसअप लाइव के माध्यम से। नेटसअप लाइव क्या है? तो नेटसअप लाइव ये एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग अभी मिल रहे हैं ना, आप और मैं सब लोग जो ऑलमोस्ट जो अभी तक 1,000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं एक साथ, तो ये हम लोग जो मिल रहे हैं ना आज, जो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, जूम, जो शायद अमेरिकन ऐप है जिसके माध्यम से हम लोग आज ये मीटिंग कर पा रहे हैं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम नेटसअप ने पहली बार नेटसअप लाइव नाम से अपना खुद का एक ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो नेटसअप लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है नेटसअप लाइव। हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज आप सबको जैसे पता है कि हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, 2001 से हम आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है, तो हम ये कर सकते थे और हमने कर दिखाया। एक टेक्नोलॉजी टाइप किया है हमने इसके लिए, और उसी के साथ साथ अंतर्गत हम ये खुद का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम जो है नेटसअप लाइव के माध्यम से यहाँ पे लेकर आए हैं। इस नेटसअप लाइव के माध्यम से हम जो ये टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सिस्टम लेके आए हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है वो हमने यहाँ पे की है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है। ये सिस्टम जो है वो बहुत हटके बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इसमें ऐड किया गया है। क्या है? तो ये जो ऐप है नेटसअप लाइव प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें हम अभी जैसे बात मीटिंग कर रहे हैं वैसे मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की वजह से हमें बहुत डिटेल में इसको कंट्रोल्ड ट्रेनिंग जो है वो हम कर सकते हैं। इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कितने लोग इसमें आ रहे हैं, कौन लोग एग्जैक्टली ये नॉलेज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं या सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं या सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, क्या वो सच में ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अटेंटिव है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या काम करेगा, ऐसे होता है ना बहुत सारी बार, अभी आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं लेकिन एक हाथ बंदे ने अपना वीडियो बंद करके वो
घूम रहा है, चाय पीने चला गया या कुछ अलग ही काम कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है। तो हाँ दिव्य जी, आपने अभी वीडियो ऑन किया आपका, वेरी गुड। तो ऐसे होते हैं लोग जो वीडियो ऑफ करके मोबाइल पे खेल रहे हैं, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या करेगा? अगर आप यहाँ पे मोबाइल पे खेल रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है, अगर आप कहीं घूम रहे हैं, तो वो जो होस्ट है उसे जब सेमिनार खत्म होगा उसके बाद वो डेटा देगा कि आज के ट्रेनिंग में 1,000 लोगों ने ज्वाइन किया था, इनमें से 800 लोगों ने शुरुआत से लेकर अंत तक मीटिंग अटेंड की, इसमें से 700 लोग ये पूरे 1 घंटा ट्रेनिंग अच्छे से सुन रहे थे, इसमें से 100 लोग ये इस समय के लिए मोबाइल के सामने नहीं थे, लैपटॉप के सामने नहीं थे, ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि वो आपका जो कैमरा है वो ये सेंस करके आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैमरा जो है या सिस्टम है वो हमें ये डेटा प्रोवाइड करने वाला है। तो देखिए, सोचिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजिक रिवॉल्यूशन जो है वो हमने इस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे किया है, नेट सप्लाई के माध्यम से। इसमें क्या क्या होगा? तो शायद आज ये मीटिंग हम लोग यहाँ पे जूम पे करें, लेकिन इसके बाद आने वाली ये हम लोग ये मीटिंग जो है वो नेट सप्लाई के माध्यम से ही करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी अपडेशन बाकी है, तो 7 से 8 दिनों में आने वाले हम लोग नेट सप्लाई के माध्यम से आपके साथ शायद आने वाले ट्रेनिंग जो है वो करेंगे। तो आज अगर आप लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं या चाय पी रहे हैं मोबाइल पे देख रहे हैं, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन जब नेट सप्लाई के माध्यम से आप ये ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ये पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति क्या किस तरीके से अटेंटिव रह के हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो नेट सप्लाई में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें गेस्ट सेमिनार्स होंगे, रहेंगे सेंट्रलाइज गेस्ट सेमिनार्स होंगे बड़े बड़े, तो आपके गेस्ट को आप इन्वाइट कर सकते हैं। तो इन्वाइट करने के बाद जब भी आप किसी को इन्वाइट करोगे तो वो किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली नेटसर्फ के खुद के ऐप में आके वो ट्रेनिंग अटेंड करेगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स इसमें हो सकते हैं, सीएसीएस अचीवर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसमें हो सकते हैं, क्लब वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ई सर्टिफिकेट्स ऑन सिंगल क्लिक हम लोगों को दे सकते हैं, जिन लोगों को हमने बुलाया वही लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। मतलब मान लो हमारे पास सीएसीएस का ट्रेनिंग हो रहा है और हमने सिस्टम में एंट्री कर दिया कि ईस्टर्न जोन के इस 400 लोगों को सीएसीएस का ट्रेनिंग देना है रेफरेंस नंबर के साथ। जब वो 400 लोग अपने नेटसर्फ के ऐप से एंटर करेंगे तो ही उन्हें इस ट्रेनिंग में आने का मौका मिलेगा। जब कोई अगर कोई नॉन सीएसीएस अचीवर इस ट्रेनिंग में आने की कोशिश करेगा तो हमारी स्मार्ट सिस्टम उसे ये बताएगी लॉगिन के समय ही कि आप सीएसीएस अचीवर नहीं हो मेरे भाई, आप ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते, सॉरी सीएसीएस अचीव कीजिए, फिर आपको ये ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। तो राइट नॉलेज टू राइट पर्सन, ये पॉलिसी के साथ हमने ये नेट्स ऑफ लाइफ जो है वो बनाया है। तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स इसमें ऐड किए हैं। एग्जैक्टली क्या काम कैसे काम करेगा ये अगर देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत लार्ज स्केल पे सेशंस हो सकते हैं, इसमें 1,000 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। वैसे तो हमने 3,000 लोगों का कैपेसिटी ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसके लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा ऑलरेडी नेट्स ने आपके लिए कर चुकी है, इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। तो 3,000 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी हमने बनाई है, लेकिन इनिशियली हम 1,000 से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 बढ़ाते हुए 3,000 लोग और उससे भी ज्यादा अगर लगा तो उससे ज्यादा कैपेसिटी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो भी डेटा है ये हमारे खुद के सर्वर पे इंडिया में, भारत में नेटसर्फ के लोकल सर्वर पे ये डेटा रहेगा। तो हम किसी चाइनीज, यूएस, यूके बेस्ड सर्वर पे हमारा डेटा नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर रहे। तो हम खुद लोकल आत्मनिर्भर तरीके से ये नेटसर्फ लाइव के माध्यम से हमारा डेटा हमारे पास रहेगा। कन्वीनियंस ऑफ इनवाइटिंग पीपल यूजिंग रेफरेंस नंबर, अपने रेफरेंस नंबर से लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं, लोग गेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, कौन आया था, किसने समय के लिए आया था, क्या उसने किया। उसके बाद वेबिनार स्टोर करके रख सकते हैं इसमें, देन एक क्विक टेस्ट हो सकता है आफ्टर एवरी प्रोग्राम, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम अगर रहेगा तो टेस्ट टेस्ट इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट लोग रहेंगे इस सिस्टम में। सबसे पहला आदमी रहेगा जिसका नाम है होस्ट, मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है, मतलब अभी अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हूँ होस्ट, द पर्सन हु इज होस्टिंग वेबिनार। दूसरा है इनवाइटी, ठीक है, मतलब हमारे होस्ट को अथॉरिटी रहेगा कि वो कुछ लोगों को ये अथॉरिटी दे सकता है कि वो अपने टीम से लीडर्स को या गेस्ट को सेमिनार या ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट कर सकता है, तो वो रहेंगे अटेंड इनवाइटी। और उसके बाद तीसरा रहेगा अटेंडी, जो लोग ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मतलब आप लोग अगर अभी आज अटेंड कर रहे हैं तो मतलब हमारा जो एमसीएम है
हो गया इनवाइटी हो सकता है, और आप लोग या आपके बुलाए हुए गेस्ट जो है वो हो गए अटेंडी। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर तरीके से ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, और एक्सक्लूसिवली आपके लिए ही बनाया गया है ये सिस्टम। तो बहुत यूनिक सिस्टम। इस सिस्टम से और क्या क्या हो सकता है, तो इस सिस्टम से बहुत फायदे। मान लो आपने नेटसर्फ लाइव के सिस्टम से सेमिनार अटेंड किया एक हद बंदे ने, आपने किसी को इनवाइट भेजा, वो आया, उसने जैसे ही वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो नेटसर्फ का एक छोटा सा 2-3 MB का ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसमें वो अपने बेसिक इंफॉर्मेशन डालेगा, नाम, मोबाइल नंबर और डिटेल्स। वो सेमिनार पूरा अटेंड करेगा। किरण सर रहेंगे, देबू सर रहेंगे, वो उन्होंने पूरा बता दिया नेटसर्फ क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अभी उसको बहुत पसंद आया। उसको बहुत पसंद आने के बाद उसने बोला कि चलो मुझे अभी का अभी प्रोडक्ट खरीदना है, नो प्रॉब्लम। उसमें ऐप में ही प्रोविजन रहेगा कि वो वहाँ पे लिख सकता है मुझे प्रोडक्ट परचेस करना है, परचेस प्रोडक्ट। वहीं पे उसने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, अमाउंट पे कर दिया, कुरियर के माध्यम से उसके घर पे प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि ये बंदा नेटसर्फ में प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, इसको ज्वाइनिंग करना है, इसका ज्वाइनिंग कर दो। जिसने भी इनवाइट किया है, गेस्ट हो उसका जो इंट्रोड्यूसर है, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसको अगर वीडियोस देखना है वो वीडियोस देख सकता है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी ऐप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत यूनिक तरीके से ये नेटसर्फ लाइव सिस्टम जो है वो आपके लिए आने वाले 10 से 15 दिनों में ओपन होगा, और इसका फायदा जो है वो नेटसर्फ के सभी डायरेक्ट सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो उठा सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन नेटसर्फ पूरे इंडस्ट्री में लेके आया है। ये तो रहा, ये भी आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन इसी के साथ साथ जो ये वंडरफुल काम अभी तक परफॉर्मेंस जो है अभी तक अप्रैल से जून में डिस्पाइट ऑफ लॉकडाउन हमारे सारे लीडर्स ने किया है, तो इसी परफॉर्मेंस को और आगे लेके जाते हुए, इसी परफॉर्मेंस को और बढ़ावा देने के लिए हम चाहते, क्योंकि 3 महीने में अगर इतना अच्छा लोग काम कर सकते हैं लॉकडाउन होते हुए भी, तो हम चाहते थे कि ये सिचुएशन को देखते हुए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए लेके आए। ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें अभी देश भी बोल रहा है, भारत भी बोल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, सभी को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। तो हमने भी सोचा कि हमारा नेटसर्फ का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ये आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर फाइनेंशियल कंडीशंस में, उसके उसकी जो आय की जरिया है उसमें उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो किसी दूसरे आय के जरिए पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसके सारे सपने पूरे करने की क्षमता ये नेटसर्फ में है, और वो उस तरीके से कोई प्लान जो है वो हम देना चाहते थे जिससे कि हर एक व्यक्ति फाइनेंशियली आत्मनिर्भर हो जाए, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो ये ऐसे फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए नेटसर्फ ने इस बार का जो पाथफाइंडर है वो अनाउंस किया है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनाने वाला पाथफाइंडर है, तो इसका क्लियर मतलब है इस 6 महीनों में, Q2, Q3 में पैसा जो है वो नेटसर्फ बांटने वाली है। मतलब मैं ये कहूंगा कि इन 6 महीनों में जो जो व्यक्ति नेटसर्फ के साथ आगे करियर अच्छा करेगा और इस पाथफाइंडर पे काम करेगा ना, वो पैसा कमाएगा नहीं दोस्तों, वो पैसा छापेगा। छापना समझते हो ना, कमाना अलग होता है, छापेगा छापेगा। तो आप डिसाइड करो कि आप पैसा कमाना चाहते हो या छापना चाहते हो। दिस इज द अपॉर्चुनिटी जिसमें आप आत्मनिर्भर बन के नेटसर्फ में पैसा छापोगे। तो क्या आप सब लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ये पैसा छाप सकते हो? यस, डेफिनेटली। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले 6 महीनों में किस किस तरीके से आप ये पैसा जो है वो अनलिमिटेड पैसा या बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसमें जो पाथफाइंडर है उसमें सबसे पहला, पहले तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा, जो भी नए लोग हैं उनके लिए तो ये सब नया है, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो हमारे पुराने पाथफाइंडर को जानते हैं, उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि पुराना जो भी है उसको भूल जाइए थोड़े समय के लिए, और इस पूरे पाथफाइंडर को एक अलग तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इन 6 महीनों में बहुत बढ़िया इनकम कमाने के लिए दिया गया पाथफाइंडर है। तो इसमें सबसे पहला चांस जो हमने लिया है बदलाव में, चेंज में, वो लिया है अस्मिता और सक्षम के साथ। जब मैं बात कर रहा हूं कि पैसा बांटने वाले हम लोग, तो सोचिए हमने शुरुआत यही से की है। बिगिनर लाइटनिंग स्टार जो एक सक्षम और अस्मिता बन सकता है, यहाँ पे अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी जितना पैसा शुरुआती दौर में किसी लीडर को नहीं बांटती, उतना नेटसर्फ आने वाले 6 महीनों में बांटने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कंपनी में, शुरुआती लीड दौर में लीड जो नेटसर्फ जो कंपनी में जुड़ता है, तभी जितना पैसा नहीं मिलता उतना पैसा नेटसर्फ यहाँ पे अस्मिता सक्षम प्रोजेक्ट के माध्यम से बांटने वाली है।
तो ये अस्मिता सक्षम प्रोजेक्ट जो है इसका सबसे पहला चेंज या चांस जो हमने लिया है वो है इसमें अभी इन 6 महीनों के लिए सिर्फ 2 ही लेवल्स अस्मिता सक्षम में रहेंगे। पहले लेवल जो है वो रहेगा प्राइम और दूसरा लेवल जो है वो सॉरी पहला लेवल जो है लेवल 1 जिसको हम लोग बोलते हैं वो लेवल 1 होगा राइजिंग स्टार लेवल, और लेवल 2 जो रहेगा वो होगा प्राइम लेवल। मतलब कोई अगर लेवल 1 अचीव करता है तो उसे हम लोग कहेंगे राइजिंग स्टार, और कोई लेवल 2 सक्षम अस्मिता अचीव करता है तो उसे कहेंगे प्राइम। तो जब मैं ये बोल रहा हूं तो जो पुराने लोग हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा जो राइजिंग स्टार पुराना चल रहा था, मतलब कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है तो वो 90 दिन में अगर 10 डायरेक्ट सेल देता है तो उसे हम लोग जो 3% की जगह 4% में लेके जाते थे, ये राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट जो हमने ऑलरेडी बोला था कि ये जून को खत्म होगा, जून सेकेंड साइकिल में, तो वो प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो चुका है राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट क्यों बंद करना पड़ा, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था लेकिन वो प्रोजेक्ट क्यों बंद करना पड़ा नेटसर्व को, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि एज पर द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेड हंटिंग पे बेनिफिट नहीं दे सकती। हेड हंटिंग मतलब शिकार मतलब लोगों को जोड़ना, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग के ऊपर कोई बेनिफिट जो है वो नहीं देना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। तो हमारा जो ये राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट था ये हेड हंटिंग को प्रमोट करने वाला प्रोडक्ट था, इसलिए हम क्योंकि हम हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ डिस्कस करते हैं, उन्हें डिस्क्लोज करते हैं, तो उनकी तरफ से हमें और हमारी लीगल टीम ने भी बोला था सर हमें ये राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट ज्यादा समय तक नहीं चला सकते, अभी तक चल गया बहुत है, हमने बहुत लोगों को 20,000 से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट दे दिया राइजिंग स्टार का, तो अभी हमने क्या किया ये राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से ये लीगल ऑब्लिगेशंस जो मतलब हम नेटसेप आपको पता है कि हमेशा लीगल दायरे में रह के ही काम करती है, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई रूल हम लोग गवर्नमेंट का ब्रेक करें, तो हमने वो राइजिंग स्टार प्रोजेक्ट को जो हमने बोला था 31 जून सेकेंड साइकिल तक करेंगे वो किया हमने। उसके बाद अभी जो राइजिंग स्टार ये प्रॉपर्टी है वो हम यूज कर रहे हैं लेवल 1 के लिए। तो लेवल 1 एग्जैक्टली क्या होगा, आइए देखते हैं लेवल 1 क्या होगा। तो किसी भी बिगिनर लाइटनिंग स्टार को अगर लेवल 1 बनना है, मतलब राइजिंग स्टार बनना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे अपने टीम 1 में 25,000 और टीम 2 में सिर्फ 25,000 का बिजनेस जो है वो करना होगा। कोई भी बिगिनर और लाइटनिंग स्टार अगर 1 महीने में टीम 1 में 25,000 और टीम 2 में 25,000 का टर्नओवर मात्र करता है तो वो नेटसर्प में लेवल 1 CACS अचीवर बन जाएगा, राइजिंग स्टार बन जाएगा। और इस राइजिंग स्टार बनने पर उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ध्यान दे के सुनिए, धमाका, पहला धमाका यहाँ पे होने वाला है। कोई भी व्यक्ति जिस महीने में बिगिनर लाइटनिंग स्टार वो 25,000 का बिजनेस करता है उस महीने में सबसे पहला बेनिफिट उसे मिलेगा, वो मिलेगा 5% राइजिंग स्टार बोनस ऑन हिज टोटल मैचिंग टर्नओवर अचीव्ड। दैट मींस जो 25,000 का बिजनेस उसने किया है टोटल कितना हुआ, 25 टीम 1 25 टीम 2 मतलब 50,000 पे 5% मतलब 2,500 रुपए का राइजिंग स्टार बोनस उसी महीने में सेकेंड साइकिल के पे आउट में ऐड होके उस लेवल 1 अचीवर को नेट सब देने वाला है, जो अभी तक हम लोग नहीं देते। पहले अगर सिस्टम में हम लोग देखते हैं कोई अगर 25,000 का बिजनेस करता उसको क्या देते थे हम लोग, 50,000 पे 3% मतलब कितना 1,500 रुपए का पे आउट जो है वो उसको मिलता था। लेकिन अभी के सिस्टम में उसे कितने रुपए का पे आउट मिलेगा, वो 1,500 तो मिलेगा ही लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल 25,000 रुपए का, सॉरी 2,500 रुपए का मतलब 4,000 रुपए का पे आउट उसको उतना ही टर्नओवर डालने पर इस अभी इस महीना जो जुलाई महीना है वहां से मिलने वाला है। तो देखिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी शुरुआत में उसको मिल रहा है, परसेंटेज कैलकुलेट करते रहिए आप कितना परसेंट उसको मिल रहा है पे आउट। तो पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पे आउट हम लोग शायद यहाँ पे उसको इनिशियल पहले ही अचीवमेंट पे यहाँ पे दे रहे हैं। तो पहला तो ये मिल गया। अभी कोई व्यक्ति ऐसा रहेगा जो बोलेगा कि सर एक बार तो मैंने कर दिया, जिस महीने में मैं राइजिंग स्टार बन गया CACS लेवल 1 अचीव कर लिया, अभी मैं दोबारा अगर कभी उतना ही टर्नओवर डालता हूं तो क्या मुझे और कुछ बेनिफिट मिलेगा। यस, अगर कोई व्यक्ति लेवल 1 बन जाता है और उसके बाद वो मार्च
सेकेंड साइकिल तक मतलब 31 मार्च 2020 तक अगर कभी भी वो फिर से 25,000 के ऊपर का बिजनेस अगर डालता है तो उसे उस महीने में जो पे आउट है वो 3 की बजाय 4% से मिलेगा। मतलब अगर वो बिगिनर है तो उसको नॉर्मल कितने परसेंट से मिलता है, 3% से, तो उसको 3 की जगह 4% से पे आउट जो है वो उस महीने में मिलेगा। और उसी के साथ साथ और एक बड़ा धमाका पहली बार CACS के लिए कि वो अगर दोबारा 25,000 का टर्नओवर सेकेंड मंथ ऑनवर्ड कभी भी करता है तो उसे 4% से तो कमीशन मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ उसे जनरेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। उसके जनरेशन वन में जितने भी लोग हैं उनके पे आउट का 15% उसको उसके पे आउट में ऐड होके मिलेगा। मतलब जो बेनिफिट अभी तक हम लोग सिर्फ फास्ट ट्रैक अचीवर को देते थे वो अब हम CACS अचीवर को भी दे रहे हैं। और ये मार्च सेकेंड साइकिल तक मतलब 31 मार्च 2021 तक जब कभी भी वो बिगिनर लाइटनिंग स्टार दोबारा किसी भी महीने में 25,000 या उसके ऊपर टर्नओवर डालता है तो उसे ये बेनिफिट जो है वो मिलता रहेगा, 4% से उस महीने का कमीशन और 15% जनरेशन इनकम का बेनिफिट इररेस्पेक्टिव ऑफ इस क्लब। फिर भले वो ऑफ स्टार बन जाए उसको जनरेशन इनकम का बेनिफिट जो है वो 4% में चला जाएगा, लेकिन उसको जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर वो 15% 25,000 रिपीट करता है तो। ठीक है, जब मैं पहले ये बता रहा था कि कोई पहले महीने मतलब अभी शॉर्ट में अगर देखते हैं लेवल वन अचीव करने वाले बंदे को क्या मिलेगा, जिस पहले महीने में वो अचीव कर रहा है उस महीने में उसको मिलेगा 5% बोनस एडिशनल। वो कितना टर्नओवर करता है उसके ऊपर, 25,000 ही करना है क्या, उससे ज्यादा कर सकता है क्या, कर सकता है। किसी बंदे ने इनिश पहले महीने में 1,00,000 का टर्नओवर कर दिया टीम वन से 1,00,000, टीम टू से 1,00,000, क्या उसे 5% का बोनस पूरे अमाउंट में मिलेगा? यस, उसे 1,00,000 + 1,00,000 2,00,000 के ऊपर 5% पूरा महीने का उसे मिलेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर्टिकुलर पहले महीने के लिए, लेकिन मैचिंग मान लो किसी ने एक साइड से 50,000 का टर्नओवर किया और दूसरे साइड से 1,00,000 का किया तो क्या उसे 1,50,000 पे मिलेगा? नहीं, हमारा सिस्टम क्या बोलता है, 50,000 दूसरे लेग से भी 50,000 ही लिया जाएगा, 50-50 दोनों मिला के हो गया 1,00,000, 1,00,000 के ऊपर 5%, 5,000 रुपया उस व्यक्ति को एज अ राइजिंग स्टार बोनस उस पर्टिकुलर महीने में मिल जाएगा। राइजिंग स्टार बोनस कितने बार मिलेगा, एक बार जब पहली बार आप अचीव कर रहे हैं, दूसरे बार से क्या मिलेगा, 4% से इनकम टर्नओवर कमीशन और 15% जनरेशन इनकम। अब हो गया किसी ने लेवल वन अचीव कर लिया और वो बोल रहा है कि मुझे और आगे बढ़ना है नेट सेट में, तो क्या, तो आ गया सेकेंड लेवल उसके लिए। तो सेकेंड लेवल है प्राइम CACS, प्राइम क्लब अस्मिता या प्राइम क्लब सक्षम। अगर किसी को प्राइम बनना है तो क्या टारगेट है उसके लिए, तो उसके लिए टारगेट है टीम वन से 50,000 और टीम टू से 50,000। कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक पर्टिकुलर महीने में बिगिनर लाइटनिंग स्टार 50,000 का टर्नओवर करता है तो वो बन जाएगा प्राइम। और प्राइम बनने के बाद उसे क्या मिलेगा, तो सबसे पहला बेनिफिट अगेन उसे मिलेगा 5% प्राइम बोनस उस पर्टिकुलर महीने में, जितना भी मैचिंग टर्नओवर उसने किया है उसके 5% प्राइम बोनस उसे उस पर्टिकुलर महीने में मिलेगा। उसके बाद अगर वो दोबारा कभी 50,000 रिपीट करता है, एक बार वो लेवल टू बन गया उस पर्टिकुलर महीने में, उसको 5% का बोनस मिलेगा, उसके साथ साथ दूसरे महीने में उसे ट्रेनिंग मिलेगा प्राइम का। अभी दोबारा अगर वो 50,000 रिपीट करता है तो क्या मिलेगा उसे, तो उसे दोबारा जब वो रिपीट करता है तो उसे 3 की जगह 5% से टर्नओवर कमीशन मिलेगा, जो करने के लिए लोगों को ऑप्स क्लब में जाना पड़ता है। वो एक प्राइम अचीवर बन के आप हर महीने जब वो रिपीट करोगे आप अगर 50,000 आगे तो वो बेनिफिट आप ले सकते हो। उसी के साथ साथ उसे क्या मिलेगा, तो उसे 1 की जगह 2 जनरेशन का इनकम मिलेगा। जनरेशन वन के जितने भी लोग हैं उनके टोटल पे आउट पे 15% और जनरेशन टू के जितने भी लोग हैं उनके टोटल पे आउट पे 10%। और ये कितना हो सकता है जनरेशन, तो हमारे बेसिक रूल के हिसाब से ये डबल धमाका हो सकता है। आप जितना टर्नओवर कमीशन से पैसा कमा रहे हो उतना ही इनकम जो है वो जनरेशन से भी कमा सकते हो, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं आप जब कागज पे लिखना चालू करोगे ना तो आप देखोगे बहुत ज्यादा पैसा जो है वो बिगिनर लाइटनिंग स्टार, एक बिगिनर लाइटनिंग स्टार जो है वो अभी कमा सकता है सक्षम अस्मिता प्रोजेक्ट के माध्यम से। लेकिन हम लोग यहीं पे नहीं रुके, हम लोगों को और जो एस्पायरिंग लोग हैं उनके लिए और कुछ लेके आए हैं।
तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा ऐसा होप करते हैं। यहाँ पे दो लेवल है, लेवल वन लेवल टू। एक बार आपने लेवल वन अचीव कर लिया आप एलिजिबल हो जाओगे लेवल टू के लिए, लेकिन एक बार आप लेवल टू में चले गए तो आप फिर से लेवल वन में नहीं आ सकते या लेवल वन का टर्न ओवर अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए कोई भी सवाल रहेंगे आपके तो टेंशन मत लीजिए, नेटसेप ने ऑलरेडी एक FAQ का PDF बनाया है, सवाल जवाब का PDF बनाया हुआ है जो आपके मोबाइल पे, आप सभी के मोबाइल पे आज 6 बजे के बाद मिल जाएगा, जिसको देख के आप किसी भी सवाल का जवाब उस समय पा सकते हो। उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कैसे मिलेगा क्या मिलेगा, तो वो डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ इतना ही समझ लो कि जितने भी बिगिनर लाइटनिंग स्टार अभी ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दिल थाम के बैठिए क्योंकि इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी आगे आने वाला है, जिसको देखकर आप इस अपॉर्चुनिटी को भूल जाएंगे। फिर ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए यूज करना है हमें, तो ये हमारे टीम में जो नए लोग जुड़ने वाले हैं ना उनको ये अपॉर्चुनिटी यूज करना है। हमारा लक्ष्य तो कुछ और ही है, हम एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे आए, हम बड़ा करियर करने के लिए आए, लेकिन उस तक बढ़ते बढ़ने से पहले और एक चेंज में चांस जो है वो हमने किया है, वो है डायरेक्ट सेल में, डायरेक्ट सेल वाउचर्स के माध्यम से। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि लीगली एज पर द गाइडलाइंस हम हेड हंटिंग पे कुछ नहीं दे सकते थे, तो हमारा जो डायरेक्ट सेल था कि एक बंदे को नेटसेप में लाने के लिए हम जो पैसे के तौर पर कमीशन के तौर पर पैसा देते थे, वो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स या लीगल प्रोस्पेक्टिव से वो नहीं चल सकता था। तो इसलिए हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि लोगों को उसका पूरा बेनिफिट मिले। तो हमने जो फंड था हमारा डायरेक्ट सेल का, वो फंड को CACS की तरफ भी डाइवर्ट किया, और उसी के साथ साथ जितने भी लोग आज से आगे नेटसर्फ में डायरेक्ट सेल करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों को, तो जितने इंट्रोड्यूसर है उनको उनके डायरेक्ट सेल ने जितना रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया है उस प्रोडक्ट परचेस के GST माइनस करने के बाद जो टर्नओवर होता है उस टर्नओवर के 5% वैल्यू का प्रोडक्ट वाउचर उसे नेटसर्फ की तरफ से दिया जाएगा। तो अगर आपके किसी सारे आपके डायरेक्ट सेल्स ने मिलके अगर 1,00,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया है GST वजह करके, तो आपको 5,000 रुपए वैल्यू के वाउचर्स MRP के कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे, और ये वाउचर्स आप आपके नजदीकी स्टॉक पॉइंट में या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे नेटसर्फ के जाके रिडीम कर सकते हो। ये रिडीम करते समय अगर आप शॉपिंग करने के लिए गए, आपको आपके पास वाउचर है नेटसर्फ का 500 रुपए का, आप शॉपिंग करने गए, आपने नेटसर्फ के स्टॉक पॉइंट में जाने के बाद 1,000 रुपए के MRP के प्रोडक्ट ले लिए, तो अगर आपने बोला कि मेरे पास 500 रुपए के MRP का वाउचर है, तो वो 500 रुपए MRP का वाउचर आप शॉपिंग वाले को दीजिए, वो 1,000 रुपए MRP से 500 रुपए MRP माइनस हो जाएगा, बचेगा 500 रुपए MRP। उसमें से आप अगर 30% डिस्काउंट में है तो वो कैलकुलेट हो जाएगा, और जितना डिस्काउंटेड वैल्यू है वही आपको स्टॉक पॉइंट वाले को पे करना होगा, और जितना वो पैसा आपने पे किया है उसका ही टर्नओवर जो है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। वाउचर पे परचेस किए गए प्रोडक्ट्स का टर्नओवर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम नेटसर्फ। ये वाउचर का वैलिडिटी जो है वो 30 दिन का रहेगा, और वाउचर जो है वो MRP पे आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव नोट अगर हम लोग देखते हैं बहुत बढ़िया, वो ये है, बहुत सारे लोग हमें डिमांड करते थे इससे पहले कि सर हमें कुछ घर में यूज करने के लिए प्रोडक्ट मिल सकता है क्या, कुछ सैम्पलिंग करने के लिए प्रोडक्ट मिल सकता है। तो मैं कहता हूँ कि नो प्रॉब्लम, अभी जितना चाहे डायरेक्ट सेल करो, लोगों को इंट्रोड्यूस करो, उस पर आपको ये फ्री के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो सैम्पलिंग के लिए, या घर में सैंपल एज ए सैंपल यूज करने के लिए, या लोगों को सैंपलिंग देने के लिए। तो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट जो है वो डायरेक्ट सेल वाउचर्स के माध्यम से अभी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ कैश जो डायरेक्ट सेल अभी तक हम पे आउट में देते थे, वो आज से आगे प्रोडक्ट वाउचर के माध्यम से अपग्रेडेड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नेटसेप आपके लिए यहाँ पे लेके आया है प्रोडक्ट के माध्यम से, क्योंकि हम किसी का नुकसान जो है वो नेटसेप नहीं करना चाहते, आप सभी को पता है। इसी के साथ साथ अब दिल थाम के बैठिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप सब लोग अभी तक वेट कर रहे थे, क्या नेटसर्फ लेके आया है इन 6 महीनों के लिए। जैसे मैंने बोला आपका टारगेट ये CACS नहीं है, आपका टारगेट वो 2,500 रुपए का बोनस लेना नहीं है, आप बड़े टारगेट के लिए नेटसर्फ में आए हो, आप ऑलरेडी नेटसर्फ के साथ एज राइजिंग स्टार बन चुके हैं, CACS अचीवर बन चुके हो, या कुछ ना कुछ इनकम आपने लिया है, इसका मतलब आपको बड़ा करियर करना है नेटसर्फ में, और बड़ा करियर मतलब फास्ट ट्रैक।
जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक करियर प्लान। और इस बार का जो फास्ट ट्रैक है स्पेशली डिजाइन किया गया है इन 6 महीनों के लिए, कंसिडरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन या लॉकडाउन सिचुएशन। इस बार का फास्ट ट्रैक ये स्पेशल ट्रेनिंग एडिशन फास्ट ट्रैक होने वाला है। तो इस बार का फास्ट ट्रैक है 3 ही चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। सबसे पहली चीज इस बार के फास्ट ट्रैक में है वो है नॉलेज, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग। दूसरी चीज रिकग्निशन, बहुत बड़ा रिकग्निशन आपको इस फास्ट ट्रैक के माध्यम से मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है अर्निंग, पैसा। लूट लो जितना लूटना है इतना पैसा नेटसेप आपको इस फास्ट ट्रैक में बांटने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे ये पैसा छापने की मशीन फास्ट ट्रैक आपके सामने इन 6 महीनों में नेटसेप लेके आया है। सबसे पहले समझते हैं फास्ट ट्रैक, जैसे आप सभी को पता है इसे सिस्टमेटिक करियर प्लान। नेटसेप पे कोई भी व्यक्ति अगर करियर करना चाहता है, कैपिंग तक पहुंचना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, तो फास्ट ट्रैक इज द ओनली वे टू अचीव दिस करियर। तो अगर आप नेटसर्फ में बड़ा करने आए हो तो यस, आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी पड़ेगी। और इस बार के फास्ट ट्रैक में बहुत बड़े बड़े बदलाव नेटसर्फ लेके आया है। इजी टू अचीव कर दिया है, इजी टू मेंटेन कर दिया है, और इसी के साथ साथ हर 2 महीने, हर 4 महीने, हर 6 महीने में नेटसर्फ आपको इस बार के फास्ट ट्रैक में कैश इंसेंटिव अचीव करने का मौका लेकर आया है। तो आइए जानते हैं इस बार के फास्ट ट्रैक में क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले इस बार के फास्ट ट्रैक में नॉलेज या ट्रेनिंग जो होगा वो नेटसर्फ लाइव के माध्यम से, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा, क्योंकि हम इस लॉकडाउन सिचुएशन में होटल में, हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते। और हमने देखा है कि ये सबसे इफेक्टिव माध्यम से साबित हुआ है अभी तक का ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ट्रेनिंग मिलेगा। 7 लेवल ऑफ फास्ट ट्रैक्स रहेंगे इस बार भी, और ट्रेनिंग जो है वो हर महीने हम अपने फास्ट ट्रैक अचीवर्स को इस बार देने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बार के फास्ट ट्रैक के अपडेशंस की अगर मैं बात करूं, पहला अपडेशन, देयर विल बी नो ड्रॉप आउट फ्रॉम फास्ट ट्रैक। आप इस बार के 6 महीने के फास्ट ट्रैक में कभी भी फास्ट ट्रैक से बाहर जाओगे नहीं। सिर्फ आपको जुलाई में कैसे भी करके फास्ट ट्रैक में एंट्री करना है। आपने जुलाई में फास्ट ट्रैक में एंट्री कर ली तो आप फास्ट ट्रैक में आ गए, आप फास्ट ट्रैक से ड्रॉप आउट नहीं होगे। जिनको पुराना सिस्टम पता है उन्हें पता होगा। तो फास्ट ट्रैक को इन शॉर्ट अगर मैं बताता हूं तो ये आप सबको पता है, फास्ट ट्रैक 2 ही बार एंटर कर सकते हैं, एक जनवरी में और एक जुलाई में। अभी जो हम लोग एंटर कर रहे हैं वो जुलाई है, जुलाई से लेकर ये फास्ट ट्रैक कब तक चलेगा, दिसंबर तक, 6 महीने चलेगा। 6 महीने हमें कंटिन्यूअस मेंटेन करना होता है पुराने सिस्टम के हिसाब से, हर महीने हमें कुछ ना कुछ टर्नओवर करना होता है तो ही हमें फास्ट ट्रैक में ट्रेनिंग मिलता है, और तभी हमें फास्ट ट्रैक पूरा करके इंटरनेशनल अचीव करने का मौका जो है वो नेटसब देता था। लेकिन इस बार के फास्ट ट्रैक में अगर पुराने फास्ट ट्रैक सिस्टम के हिसाब से अगर किसी एक महीने में भी हम फास्ट ट्रैक का टारगेट हिट नहीं करते मेंटेनेंस का, तो हम फास्ट ट्रैक से क्या हो जाते थे, आउट हो जाते थे, बाहर चले जाते थे। लेकिन इस बार नेटसब ने ठान लिया है कि हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को नॉलेज देकर ही रहेंगे, ट्रेनिंग 6 महीने प्रोवाइड करेंगे, भले वो मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो देर विल बी नो ड्रॉप आउट। आप और मैं गारंटी देता हूं कि आप आगे मैं जो प्लान बताने वाला हूं उसके बाद आप 100% मेंटेन करोगे ही करोगे, क्योंकि मेंटेन करने में मैक्सिमम बेनिफिट्स है। तो आइए देखते हैं क्या इस बार का फास्ट ट्रैक है। तो इस बार के फास्ट ट्रैक में जो 7 लेवल्स हमारे होते हैं वो 7 लेवल्स तो है ही, एग्जीक्यूशन 1, एग्जीक्यूशन 2, कोर 1, कोर 2, प्रिविलेज 1, प्रिविलेज 2 और एम नेक्स्ट। ये 7 लेवल से आप एंट्री कर सकते हैं, जिस आप क्लब में हो उस क्लब के हिसाब से आप फास्ट ट्रैक में एंट्री कर सकते हो। आप सब लोग बिगिनर लाइटनिंग स्टार है तो आपके लिए एंट्री करने के लिए एग्जीक्यूशन 1 और एग्जीक्यूशन 2 ये सबसे बेहतरीन तरीके हैं दोनों भी फास्ट ट्रैक में एंटर करने के लिए। इस सिस्टम में एंटर करने के बाद अगर आने वाले 3.5 साल 1000 दिनों तक आप नेटसब के साथ टिके रहते हो तो ये हैव अ मोस्ट डिजायरेबल चांस टू बिकम करोड़पति एंड कैप अचीवर इन नेटसर्फ। तो इस बार का जो फास्ट ट्रैक है उसमें क्या चेंजेस नेटसर्फ ने किए हैं, देखिए चेंजेस इसलिए किए हैं कि ताकि मैक्सिमम लोगों को फास्ट ट्रैक का बेनिफिट मिले। तो सबसे पहला चेंज किया है टारगेट में 25% डिस्काउंट। एग्जीक्यूशन 1 में कौन एंट्री कर सकता है, बिगिनर लाइटनिंग स्टार। उसका पुराना टारगेट क्या था हमारा फास्ट ट्रैक का, वो था 1 लाख। एंट्री और मेंटेनेंस का टारगेट क्या था, होता 75,000। इस बार के फास्ट ट्रैक में
एग्जीक्यूशन वन में अगर किसी बिगिनर लाइटनिंग स्टार को एंट्री करना है तो उसका एंट्री और मेंटेनेंस का टारगेट जो है वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 56,250 रुपया। तो 56,250 रुपए के टर्नओवर से कोई भी व्यक्ति फास्ट ट्रैक में एंट्री कर सकता है। तो जो मेंटेनेंस का पुराना टारगेट था वो हो गया अचीवमेंट का टारगेट, मतलब 75,000, ये हो गया जनरेशन वन का टारगेट, और जो एंट्री का टारगेट है या मेंटेनेंस का टारगेट है वो घटकर हो गया है सिर्फ 56,250। वैसे हर जगह पे एग्जीक्यूशन टू में बिगिनर टू सुपरस्टार एंट्री कर सकते हैं, उसका टारगेट है 1.5 लाख, उसका टारगेट था 1.5 लाख। अभी जो टारगेट हुआ है वो हुआ है 84,375। एग्जीक्यूशन टू बिगिनर टू सिल्वर, सॉरी कोर वन बिगिनर टू सिल्वर, इसका टारगेट हुआ 1,40,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एज ए बिगिनर लाइटनिंग स्टार मुझे अगर कहीं पे फोकस करना है तो मेरे हिसाब से वो करना है एग्जीक्यूशन वन, एग्जीक्यूशन टू, कोर वन या कोर टू पे, क्योंकि वो चार अपॉर्चुनिटीज है जहां पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। तो आइदर 56,250 टीम वन, 56,250 टीम टू, 84,375 टीम वन या 84,375 टीम टू, 1,40,625 टीम वन या 1,40,625 टीम टू, या 2,81,250 टीम वन, 2,81,250 टीम टू, ऐसा टर्नओवर डाल के मैं एग्जीक्यूशन वन, एग्जीक्यूशन टू, कोर वन या कोर टू में आप एंट्री कर सकते हो। जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट नेटसेप की तरफ से मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी, और उतने जल्दी करियर और कैप जो है वो नेटसेप में आपका मिल जाएगा। जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आपके सीनियर मेंटर लीडर मैनेजर ये आपको इसमें 100% हेल्प करेंगे टू डिसाइड कि मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ और कौन से क्लब में मुझे एंट्री करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम एफर्ट्स दो तो जल्दी नेटसेप में करियर जो है वो अचीव कर पाओगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि 56,225 के कम, इतने कम टारगेट में, और ये पहली बार हुआ है और ये इसी 6 महीने में होगा, इसके बाद इस तरीके का इतना डिस्काउंटेड फास्ट ट्रैक आपको वापस मिलेगा नहीं। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, जल्दी आइए, एंटर कीजिए, टीम बनाइए, और फिर जितना बड़ा टारगेट सामने आए उसको फेस करने के लिए रेडी हो जाइए। अभी बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे मुझे, एंट्री तो बहुत ईजी हो गया, मैंने देखा 56,250 में फास्ट ट्रैक में एंट्री कर सकता हूँ, तो अभी मुझे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो बेनिफिट्स भी बहुत बड़े बड़े नेटसअप लेके आए, जैसे मैंने बोला 2, 4 और 6 महीने, हर 2, 4, 6 महीने में नेटसअप आपके लिए इंसेंटिव का मौका लेके आए, कैश पैसा कमाने का मौका लेके आए। तो क्या है वो मौका देखते हैं। आप अगर एग्जीक्यूशन वन में है और आपने एंट्री कर ली 56,250 रुपीज से, और उसके बाद दूसरे महीने मतलब जुलाई में आपने एंट्री कर ली 56,250 रुपीज से, और उसके बाद जो अगस्त महीना है उसमें थोड़ा सा जोर लगा के आपने 56,250 तो मेंटेन कर लिया, लेकिन उसी के साथ आपने 2 महीने का मिला के अगर 1.5 लाख रुपए का बिजनेस का टारगेट पूरा किया तो कंपनी आपको अगस्त महीने मतलब 2 महीना टारगेट पूरा करने के ऊपर उस दूसरे महीने में आपको 3,000 रुपए का कैश इंसेंटिव तुरंत आपके अकाउंट में पे आउट के साथ जोड़ के दे देगा। अगर आपने 4 महीने में मेंटेन करते हुए 3 लाख रुपए का टारगेट पूरा किया तो कंपनी आपको तुरंत 4th महीने में 7,000 रुपया एडिशनल फास्ट ट्रैक इंसेंटिव जो है वो आपको दे देगा। अगर आपने पूरे 6 महीने फास्ट ट्रैक मेंटेन किया, मेंटेन मतलब 56,250 के ऊपर का टर्नओवर हर महीने डाला, और पूरे 6 महीने मिला के 4.5 लाख रुपए का बिजनेस अगर आपका हो गया तो आपको कंपनी 6 महीने के बाद 6th महीने में सेकेंड साइकिल के पे आउट में 25,000 रुपया एज अ फास्ट ट्रैक कैश इंसेंटिव आपको देने वाला है। मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे, कोई भी फास्ट ट्रैक अचीवर को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो 2 महीने का टारगेट भी पूरा कर सकता है, 4 महीने का भी पूरा कर सकता है, 6 महीने का भी पूरा कर सकता है, और अगर वो 2, 4, 6 महीने का टारगेट पूरा करता है तो कुल मिलाकर उसे 25+7+3 मतलब 35,000 रुपया एडिशनल नेटसर्फ की तरफ से कमाने की अपॉर्चुनिटी नेटसर्फ यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, सोचिए, अगर आप फास्ट ट्रैक में नहीं है और आपने 6 महीने में 4.5-4.5 लाख का टर्नओवर किया तो कितना पैसा मिलेगा आपको, 9 लाख टोटल होगा, 4.5 टीम वन 4.5 टीम टू 9 लाख होगा, आप होगा 3% में कितना मिलेगा, 27,000। लेकिन वही अगर फास्ट ट्रैक में आए और वही 4.5-4.5 लाख का टर्नओवर आपने 6 महीने में किया तो कितना मिलेगा, वो 27,000 जो आपको मिलना था वो तो मिलेगा ही,
लेकिन उसके साथ साथ ये 35,000 एडिशनल मिलेगा। 35 + 27 कितना हुआ? 62,000 रुपीज, मतलब 4.5 लाख, 4.5 लाख, 9 लाख के टर्नओवर पे ऑलमोस्ट 62,000 रुपीज का इनकम जो है वो नेटसेफ आपको इस 6 महीने में देने वाला है। सोचिए कितना परसेंट कमीशन नेटसेफ ने बांटा। ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाईएस्ट एवर बेनिफिट लेने का मौका आपको नेटसेफ यहाँ पे दे रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको सबको पता है नेटसेफ फास्ट ट्रैक में जनरेशन इनकम भी देता है, वो भी कितना, 7वें जनरेशन तक। मतलब अगर आप ये 27,000 रुपीज जो आपको टर्नओवर कमीशन मिलने वाला है, जनरेशन अगर आपका स्ट्रांग है और उसके माध्यम से आपका अचीवमेंट पे आउट अच्छा बनने वाला है, तो वहां पे वो एडिशनल 27 कमाने का मौका भी नेटसेफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी जो आपको नेटसेफ इन 6 महीने में दे रहा है, सिर्फ 4.5 लाख टीम और 4.5 लाख के टीम टू टर्नओवर पे 27,000 टर्नओवर कमीशन, 27,000 जनरेशन इनकम और 35,000 कैश इंसेंटिव कमाने का मौका नेटसेफ आपको यहाँ पे दे रहा है। मतलब 54,000 वो, 35,000 ये, कितने हुए, 59 + 30, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए कमाने का मौका नेटसेफ एक एग्जीक्यूशन वन अचीवर को इन 6 महीनों में सिर्फ 4.5 लाख टीम वन 4.5 लाख टीम टू के टर्नओवर पे प्रोवाइड कर रहा है। इंडस्ट्री का हाईएस्ट पैसा आपको इस 6 महीनों में कमाने की अपॉर्चुनिटी नेटसेफ प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एग्जीक्यूशन 2 में एंट्री करते हो तो आपका 2 महीने का टारगेट हो गया 2,25,000, 4 महीने का 4.5 लाख, 6 महीने का 6,75,000। अगर ये करते हैं 2 महीने के टारगेट के ऊपर आपको नेटसेफ देगा 3,000 रुपया, 4 महीने का अगर आप टारगेट पूरा करते हो तो नेटसेफ आपको देगा 10,000 रुपया, और अगर आप 6 महीने का टारगेट पूरा करते हो तो एडिशनल 30,000 भी आपको मिलेगा। अगर आप कोर वन में एंटर करते हो तो आपको 2 महीने का इंसेंटिव मिल सकता है 4,000, 4 महीने का मिल सकता है 12,000 और 6 महीने का मिल सकता है 40,000। अगर आप कोर टू में एंट्री करते हो तो आपको इंसेंटिव मिल सकता है 4,500, 12,000 और 50,000। तो एक बिगिनर और लाइटनिंग स्टार क्लब में अगर कोई बंदा है और उसको हाईएस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो है कोर टू में एंट्री करने की, तो अगर आप कोर टू में एंट्री करते हो, आप में बहुत दम है, ताकत है, मुझे बहुत जल्दी नेटसेफ में बड़ा होना है, आप में कोर टू में एंट्री करो, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोर टू में एंट्री करो, मेंटेन करो, हर 2 महीने मेंटेन करो, हर महीने मेंटेन करो और उसके साथ 2 महीना 4 महीना 6 महीने का टारगेट पूरा करो, आपको नेटसर्फ की तरफ से 66,000 रुपीज कमाने का एडिशनल इंसेंटिव कमाने का मौका नेटसर्फ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो 35,000 से लेकर 66,000 का इंसेंटिव कोई भी बिगिनर लाइटनिंग स्टार जो है वो नेटसर्फ में आज यहाँ पे कमा सकता है इन आने वाले 6 महीनों में। जनरेशन इनकम अलग से, टर्नओवर कमीशन अलग से। अगर आप राइजिंग स्टार है पुराने तो आपको 3 की जगह 4% से कमीशन मिलेगा, मतलब वो भी एडिशनल बेनिफिट। तो देखिए पिटारा नेटसेफ ने खोल दिया है, जैसे मैंने बोला आपको देख सब सोचना है कि मुझे कितना कमाना है, बट ये अपॉर्चुनिटी वापस जनवरी में मिलने वाली नहीं है। गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी जुलाई में, दिस इज द मौका। तो एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूँ क्या होगा कैसे होगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं दिलीप जो है उसने जुलाई में फास्ट ट्रैक में एंट्री कर ली। जुलाई में फास्ट ट्रैक में एंट्री करने के लिए मैंने 56,250 रुपए का टर्नओवर डाला। उसके बाद अगस्त में मुझे इंसेंटिव चाहिए तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए का टर्नओवर अगस्त में डाला, तो 56,000 + 1 लाख दोनों मिला के हो गया 1,56,000। मतलब कंप्यूटर मेरा सिस्टम पहले क्या देगा, नेटसेफ का पहला सिस्टम क्या देखेगा कि आपने दूसरा महीना मेंटेन किया है नहीं किया। जैसे वो देखेगा 56,000 के ऊपर टर्नओवर डाला, नेटसेफ सिस्टम बोलेगा यस दूसरा महीना मेंटेन हो गया। अब सिस्टम चेक करेगा इसने इंसेंटिव का टारगेट पूरा किया या नहीं किया, तो वो देखेगा हाँ 1.5 लाख के ऊपर हो गया, यस नेटसेफ का सिस्टम बोलेगा यस इसने 2 लाख 2 महीना मेंटेन भी किया और टारगेट भी पूरा किया, इसको दो अभी 3,000 रुपए का इंसेंटिव ऐड करके। ऐसे ही हर महीने वो चेक करेगा मेंटेन किया क्या, किया है तो वो चेक करेगा टारगेट पूरा हुआ क्या, टारगेट पूरा हुआ है तो इंसेंटिव ऐड करके सेकेंड साइकिल के पेआउट में ऐड करके देंगे। अगर मेंटेन नहीं हुआ है तो सिस्टम क्या बोलेगा, नो प्रॉब्लम आपको इंसेंटिव जो है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का नहीं मिलेगा, लेकिन आप फास्ट ट्रैक के सिस्टम में रहोगे, आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हर महीने रहोगे। तो आप मेंटेन करो या नहीं करो, आपको नेटसेफ हर महीने नेटसेफ डिजिटल, नेटसेफ वार्सिटी और नेटसेफ लाइव के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता रहेगा। अभी एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैं सिर्फ बताता हूँ, बाकी हमने जो मैनुअल दिया है उसमें सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप आपके मैनेजर्स
सीनियर लीडर से पूछ के आपके कुछ भी छोटे मोटे डाउट रहेंगे तो वो क्लियर कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा कैसे होगा। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको सिर्फ कि मान लो एक हाथ बंदा है हमारा, जैसे कि मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, जुलाई महीने में फास्टट्रैक में एंट्री कर ली, 56,000 का टर्नओवर डाल दिया, लेकिन उसके बाद वो अगस्त महीने में मेंटेन नहीं कर पाया। उसने 10,000 का ही टर्नओवर डाला, 10,000 टीम वन 10,000 टीम टू, तो सिस्टम क्या देखेगा, क्या इसने मेंटेन किया है? तो सिस्टम बोलेगा नहीं मेंटेन किया। तो सिस्टम क्या बोलेगा, इसको ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है, ये फास्ट्रैक से आउट नहीं हुआ, ये ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। तो दो महीने का टारगेट पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो उसको 3,000 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फिर आया अगस्त महीना, सॉरी सितंबर महीना। सितंबर महीने में भी उसने क्या किया, 10,000 का ही टर्नओवर किया, 15,000 का किया। सिस्टम ने देखा मेंटेन हुआ क्या? नहीं। सिस्टम क्या बोली, ट्रेनिंग ले लो, नो प्रॉब्लम, यू आर इन फास्ट ट्रैक, कंटिन्यू करो। फिर आया अक्टूबर महीना। अक्टूबर महीने में उसको एकदम से क्लिक हुआ, टीम मिला, उसने 1,00,000 रुपए का टर्नओवर डाल दिया। अभी सिस्टम क्या देखेगा, इसने मेंटेन किया क्या? बोला हाँ। कितनी बार मेंटेन किया, एक जुलाई में किया था, एक अक्टूबर में किया, मतलब कितने महीने मेंटेन हुए? दो। अभी सिस्टम देखेगा क्या ये 1,50,000 के ऊपर हो गया? यस, 1,56,250 हो गया, 1,56,250 हो गया। तो सिस्टम बोलेगा यस, इसका दो महीना मेंटेन हुआ है और ये दो महीने का टर्नओवर 1,50,000 के ऊपर भी हुआ है, टीम वन से और टीम टू से भी। तो इसको तुरंत अक्टूबर महीने के सेकेंड साइकिल में सिस्टम जो है वो 3,000 रुपया एडिशनल दे देगा। समझ में आया? तो ये कंटिन्यूएशन में दो महीना मेंटेन करना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। एकदम ऐसे हुआ कि एक बंदे ने जुलाई में 56,000 डाला, एंट्री की, फास्ट्रैक में आ गया, अगस्त में भी 56,000 डाला, सितंबर में भी 56,000 डाला, अक्टूबर में भी 56,000 डाला, नवंबर में भी 56,000 डाला। सिस्टम हर बार चेक कर रहा है उसने कितनी बार मेंटेन किया। जुलाई में देखा एक बार मेंटेन किया, अगस्त में देखा दूसरी बार भी मेंटेन हुआ लेकिन 1,50,000 पूरा नहीं हुआ, सितंबर में देखा तीसरी बार मेंटेन किया, अक्टूबर में देखा चौथी बार मेंटेन किया लेकिन 3,00,000 पूरा नहीं हुआ, तो उसको 3,000-7,000 नहीं मिलेगा। अक्टूबर में देखा नवंबर में देखा 5 बार मेंटेन हुआ लेकिन इंसेंटिव का टारगेट नहीं हुआ। अभी दिसंबर महीना आया, दिसंबर महीने में उसने क्या किया, 56,56,56,56 पकड़ के 5 महीने जितना टर्नओवर हुआ वो छोड़ के, मतलब वो मेंटेन तो हुआ 5 महीने। अभी छठवें महीने में उसने क्या किया, 4,50,000 के लिए जो बैलेंस टर्नओवर था वो सब जमा करके दिसंबर महीने में 4,50,4,50,5 पूरा कर दिया। तो सिस्टम क्या देखेगा, सिस्टम देखेगा इसने 6 महीना मेंटेन किया क्या, यस, तो ही इज एलिजिबल फॉर 6 मंथ्स इंसेंटिव। अभी सिस्टम देखेगा क्या इसने 6 महीने का टारगेट पूरा किया, 4,50,4,50,5 तो हाँ किया, तो उसको 25,000 रुपया कैश इंसेंटिव के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा और दिसंबर सेकेंड साइकिल के पेआउट में ऐड करके उसको 25,000 रुपया दे देंगे। तो हम किसी का भी कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं कर रहे, आप आपके कैपेसिटी के हिसाब से नेटसब के साथ जुड़ते रहो, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको 2 महीना 4 महीना 6 महीना या पूरे 2-4-6 महीने का इंसेंटिव कमाने का अपॉर्चुनिटी जो है वो नेटसब इस बार के फास्ट्रैक में दे रहा है। कैश ही कैश है, लूटो जितना लूटना है, छापो, मैंने बोला ना छापने वाला फास्ट्रैक है, इस बार मिला है वापस नहीं मिलेगा। और मार्केट में आजू बाजू में नजर मार के देखो, ये इतना अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली नहीं है। कि लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है क्या? 100% जरूरत है, खेती के है, आरोग्य के है, सभी प्रोडक्ट की जरूरत है नेटवर्क के, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है फास्ट्रैक में एंट्री करने की जरूरत है। इसके बाद जो जनरेशन का बेनिफिट है वो भी मिलता ही रहेगा। जनरेशन के टारगेट्स भी हमने 25% रिड्यूस कर दिए हैं इस बार के फास्ट्रैक में, इन 6 महीनों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग एडिशन में। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्पेशल ट्रेनिंग एडिशन इसलिए है क्योंकि सिर्फ इस 6 महीने के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद दोबारा जनवरी में जब फास्ट्रैक आएगा, आपने सोचोगे ये मैं मिस करते रहो, मैं जनवरी में करूंगा, अगर आप ये मिस करोगे तो जनवरी में ये बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलेंगे। जनरेशन भी इजी हो गया है, आप देखो 50% 25% टारगेट जनरेशन के रिड्यूस हो गए, तो वन कैन अचीव इजिली 7 जनरेशन इनकम। तो बहुत बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी सबको यहाँ पे लिया है। जनरेशन के परसेंटेज में कुछ बदलाव नहीं किया नेटसब ने, उसमें कम नहीं किया है, वो वैसे के वैसे रखे, ताकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा से अच्छा पैसा जो है वो जनरेशन के माध्यम से नेटसब दे सके। और इसी के साथ साथ नेटसब ने, मतलब
ये फास्ट ट्रैक का जो अपॉर्चुनिटी है वो तो नेटसअप यहाँ पे आपके लिए लेके आया ही है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी नेटसअप दे रहा है, बहुत ज्यादा। तो आपके लिए जैसे मैंने बोला ना, आपने देखा कितना बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी है, तो आपके लिए सक्षम अस्मिता नहीं है, सक्षम अस्मिता ये आपके टीम में जो लोग हैं उनके लिए है, जिनके सक्षम अस्मिता को अगर आप अचीव करवाओगे तो आप फास्ट ट्रैक में अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। तो जुड़ जाइए, भिड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाइए। जितने ज्यादा लोगों को हमें नेटसअप में जोड़ना है उसके लिए ऑफर्स भी हमने वैसे ही तगड़े दिए हैं। हम जानते हैं कि आपने पिछले महीने में बहुत सारे लोगों को प्लान बताया था और उन लोगों के पैसे आने बाकी है, तो आपने अगर ऑफर बदल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर। तो इस बार पहली बार पीक सीजन में हम इतने बड़े ऑफर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वही ऑफर्स हमने रखे हैं। वैसे के वैसे दोस्त रखता हूँ कि ईस्ट जोन जो है वो इस 200 करोड़ में से 220 करोड़ में से ज्यादा टर्नओवर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और इस 220 करोड़ में से जो पैसा नेटसअप एज ए कमीशन बांटने वाला है, एज ए इंसेंटिव बांटने वाला है, उसमें से मैक्सिमम पैसा जो है वो ईस्ट जोन के लीडर्स जो आज मेरे सामने बैठे हैं वो अचीव करके कमा के लेके जाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग फास्ट ट्रैक में 100% एंटर करोगे ना, अपने अपने जगह पे बैठ के थम्सअप करो, वेरी गुड। तो आप सब लोग फास्ट ट्रैक में एंट्री करने वाले, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको सभी मैनुअल्स जो है एफएक्यूज मैनुअल्स कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आपके मैनेजर्स, आपके लीडर्स, आपके मेंटर्स रेडी है आपके हर एक डाउट को सॉल्व करते हुए आने वाले 24-25 दिनों में आपके साथ कंधे से कंधा लगा के काम करने के लिए। हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप फास्ट ट्रैक में एंट्री नहीं करेंगे। क्या आप रेडी है फास्ट ट्रैक में एंट्री करने के लिए? आपका जवाब यस है तो इमीडिएटली इस प्रोग्राम के बाद आपके सीनियर से कॉन्टेक्ट कीजिए और इतनी बड़ी क्रांति का हिस्सा बनिए, आर्थिक क्रांति का हिस्सा बनिए। जहां पे लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, इसका हिस्सा बनिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाइए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।